मैं केली किसले और मेरे साथ आज मौजूद हैं श्रीमती गीता श्री उराव। ये कांग्रेस की एक बहुत वरिष्ठ महिला नेत्री हैं और ये किसी परिचय की मोहताज नहीं। इनको आप सब जानते होंगे, एक समय में शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं और साथ साथ और भी कई विभागों का भार संभाला है। अभी झारखंड में चुनाव शुरू होने वाले हैं, इस आने वाले चुनाव को लेकर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे जो राजनीतिक माहौल है उस बारे में। पर हमारा मुद्दा एक और रहेगा और वो मुद्दा है झारखंड के आदिवासियों का। नमस्कार गीता। नमस्कार, जोहार सबको, जोहार। 29 को झारखंड में चुनाव शुरू होने वाले हैं, 14 लोकसभा सीट्स पे क्या सिचुएशन है विपक्ष का, महागठबंधन का? देखिए, महागठबंधन जो अगर हम अपने झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में कहें तो काफ़ी अच्छा गठबंधन का एक वो बना है, स्वरूप बना है और सीटों का बंटवारा हुआ है। उसमें हम लोग सभी गठबंधन के सभी साथी सहयोगी जो दल हैं सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं और तस्वीर मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बन रही है लोगों में, क्योंकि जनता तो वैसे ही जाग चुकी है। पिछले पाँच सालों में जो भी कुछ हुआ इस राज्य में, इस देश में, आंखें सबकी खुल गई हैं और बस ये है कि जो जनता का जो रुझान को देखते हुए उसको सही तरीके से हम लोगों में तब्दील कर सके। बातें हो रही है कि कुछ जगहों पे महागठबंधन विफल है। हाँ, ये बातें तो देखिए, अब जो हमारे विरोधी खेमा है वो तो इस तरह की बातें उड़ाएगा ही, और कहीं कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मगर हम लोग सभी लगे रहते हैं। सभी जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनमें कुछ ना कभी कमी बेसी कुछ रहती है, ऊपर नीचे रहता है, तो उसको हम लोग अपने जो मेहनत करके उसको हम लोग अपनी पार्टनर की हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं सब जगह। सुनने में आ रहा है लोहरदगा में स्थिति कांग्रेस की कुछ ठीक नहीं और कुछ जगहों पर, और आप बताइए आपको क्या लगता है? लोहरदगा मेरे ख्याल से गठबंधन का तो जोर है वहाँ पर काफ़ी और निकलना चाहिए हम लोगों को। हम लोग तो चाहेंगे कि जितने भी हम लोगों के विपक्ष में जहाँ पर भी हम लोग खड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस के लिए की सीट हो या हमारे अपने सहयोगी दल की हो, वो आए, क्योंकि हमारा एक तो मुख्य उद्देश्य हम लोग का संगठित रूप से और ये है कि हम लोगों को भाजपा जैसी दमनकारी और जो विनाशकारी ताकत को हम लोग रोकना चाहते हैं। बहुत इन्होंने तबाही मचाई है इन 5 सालों में, और हमारे झारखंड में भी देखा गया कि किस तरह से जो कहेंगे कि जनहित में काम नहीं हुए, जो भी हुए कॉरपोरेट घरानों के लिए ही हुए हैं यहाँ पर, और इसलिए आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो CNT SPT एक्ट के साथ भी जिस तरह से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जितने भी सामाजिक और राजनीतिक संगठन इसमें एकजुट होकर सामने आए, और हमारे जो उस समय वर्तमान जो हमारे राष्ट्रपति आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी जी ने भी इसमें बहुत अच्छा एक स्टैंड लिया, और उन्होंने ये इसमें इस बात पे महसूस किया कि उनका एक हस्ताक्षर झारखंड के लोगों के विरुद्ध चला जाएगा, तो इसलिए उन्होंने इसमें हमारे हित में उन्होंने फैसला लिया। तो इस तरह की जो कयावाज भाजपा की लगातार चलती रही है, जब वो इसमें विफल हो गए, इस विधेयक को पास करने में विफल हो गए, तो उन्होंने फिर जमीन लैंड बैंक भी उसमें उन्होंने बनाया वहां पर, ताकि किसी न किसी तरह से जो है यहाँ की जमीनों को बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने, जो हम लोग स्पष्ट रूप से हम लोग जाहिरा तौर पर हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी के जो अभिन्न मित्र हैं, अंबानी अंडानी ऐसे जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं उनके लिए मतलब वो लिए जा रहे थे, और जब सब तरफ विफल हो गए तो सबसे दर्दनाक बात जो भी हमारे गोड्डा में जो हुई पिछले साल, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मतलब तमाम विरोधों के बाद भी कंपनी की JCB ने खड़ी फसल में जिस तरह से JCB चलाया और जिस तरह से महिलाएं कंपनी के अफसरों के सामने जिस तरह से अपने उनके पैरों पे अपना सर रख के जिस तरह से गुहार लगा रही थी, निश्चित रूप से बहुत दिल को दहलाने वाला एक दृश्य था कि यहाँ पर लोकतंत्र नाम की चीज़ है कि नहीं, लोकतांत्रिक प्रणाली कोई काम कर रही है, सरकार है कि नहीं है, मतलब जिसका मन में आ रहा है हम हमारे लोगों के यहाँ पर आके उनके खेतों को उजाड़ रहे हैं,
ताकि वहाँ पर मतलब अपना कुछ बिजनेस शुरू कर सकें, और बिजनेस भी ऐसा जिसमें वहाँ पर बिजली उत्पादन की बात हो रही है, मगर जिसका आपको, जबकि ये रहता है हमेशा से MOUs जो साइन होते हैं उसमें होता है कि 26% जिस भी राज्य में हो उसमें से आपको निःशुल्क वहाँ पर वो देना है, मगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इस तरह की मनमानी हुई कि वो कहते हैं कि नहीं हम लोग 15% देंगे, बाद बाकी अगर झारखंड को चाहिए तो वो उसका खरीदारी करेगा, और जो बाकी जो हमारे जितने भी बिजली का उत्पादन होगा वो बंगला पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश वहाँ चला जाएगा। तो इस तरह की मनमानी इतने सालों में हम लोग नहीं देखी थी, और भी बहुत कुछ हो रहा है इस राज्य में जो हमारे अपने यहाँ के आदिवासी हैं मूलवासियों के विरुद्ध में, उनके हक में नहीं हो रहा है। देखिए झारखंड राज्य का निर्माण क्यों हुआ था, उसका उद्देश्य तो धाराशाही ही होता हुआ दिखा। अभी हमारे 18 साल पूरे हो गए इस राज्य को बने हुए, 19वें साल में हमारा ये राज्य चल रहा है, मगर क्या कोई भी दावे के साथ कह सकता है कि यहाँ के लोगों के अधिकारों की रक्षा हुई, यहाँ के लोगों को इसका फायदा मिला? नहीं, सब कुछ विरोध में हुआ है, सिर्फ विभाग खोल दिए गए मगर काम किसके हित में हो रहा है लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे हक में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, मगर इतने सालों में तो सिर्फ सड़क बनाने की राजनीति, कॉन्ट्रैक्ट करने की राजनीति वो सब चली, व्यक्ति विकास की राजनीति नहीं हुई जो कि होना चाहिए। व्यक्ति विकास होगा यानी अगर उसके पास रोजगार होगा, उसके अपने आप को सस्टेन करने वाली जो सारी बातें होंगी, कृषि पे भी ध्यान नहीं है इनका। कहते तो हैं कि कृषि मतलब किसानों के लिए हम लोग कर रहे हैं, मगर कहाँ, हम गांव-गांव में घूमते हैं, लोग अभी भी अपने खाली खेतों को देखते हैं। इनफैक्ट गीताश्री जी, आप एजुकेशन मिनिस्टर रही थी, अभी जब सरकार ने स्कूल मर्जर की बात की जी, वो उन्हें रोकना भी पड़ा अभी फॉर द टाइम बीइंग। इसके बारे में आपको क्या कहना है एज अ फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर? देखिए किसी भी राज्य के उसकी सरकार का सफलता का मापदंड दो चीजों पर आधारित होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। और हमने देखा है इतने सालों में जो जिस बात को लेके झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, उसके लिए आंदोलन हुए थे, वो किस लिए? क्योंकि यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा था, उनकी जो अपनी सांस्कृतिक भाषाई जो सारी चीज़ों जो थी, उनकी अपना जो अपना अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उनका हनन हो रहा था। आर्थिक भी जो है वो विकास नहीं हो पा रहा था लोगों का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग देखते हैं कि जिस सब चीज़ों को लेके झारखंड अलग राज्य की मांग हुई थी और उस लिए मतलब बना भी। मगर शुरू से ही देखा गया, सब लोगों को उम्मीद थी कि सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। शिक्षा जो एक बुनियादी एक आधार है हमारी जिंदगी का आज के डेट में, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही एक मजबूत और एक स्वस्थ समाज का आधार बन सकता है। शहरों में अगर आप देख लीजिए, वैसे रांची अगर दूसरे राज्यों में जाएं तो बहुत फेमस है यहाँ के एजुकेशन उसके लिए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो या प्रोफेशनल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स वगैरह हो, मगर यहाँ पर जो बुनियादी तौर पे अगर हम लोग देखें तो सरकारी जो विद्यालय वगैरह हैं, जो भी संस्था हैं, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। टीचर्स की बहुत ज़बरदस्त कमी रही हमेशा से, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो मेरे ख्याल से ये टर्म निकला मगर लोगों को इसका पता भी नहीं चला कि इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर आप गांव में जाएं तो देखेंगे कि बच्चों की संख्या के हिसाब से जो एक टीचर स्टूडेंट रेशियो होना चाहिए वो कहीं से भी ठीक नहीं है। 200 टीचर्स बच्चों के पीछे आपको दो टीचर्स दिखेंगे, एक रेगुलर होगा, एक पैरा होगा। इस तरह का और व्यवस्था में किसी भी तरह से सुधार नहीं हुआ इतने सालों में। इनफैक्ट पैरा टीचर्स से बहुत बड़ा इशू रह गया यहाँ पे अभी भी स्टेट में। बिल्कुल, जब तब उनके तरफ से प्रोटेस्ट होते हैं, जब तक उनकी डिमांड्स पर। आपको क्या लगता है पैरा टीचर्स के प्रोटेस्ट क्या जायज हैं, और जायज हैं तो उनको क्या मिलना चाहिए? देखिए जायज तो है बिल्कुल, क्योंकि उनको जब सिस्टम में एब्जॉर्व किया गया था, पहले वही था कि टीचर्स की कमी है तो आउटसोर्सिंग किया जाए,
जो गांव में हमारे अपने पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको हम लोग एब्जॉर्व करें, और मिनिमम उनको था वेजेस ही कह सकते हैं, आपका सैलरी नहीं कह सकते हैं, उस पर उन लोगों को रखा गया था। फिर वो ग्रेजुअली बढ़ता गया इन सालों में, मगर वो जस्ट ऐसे ही कि स्कूल खुल जाए, चल जाए, और उनको मतलब किसी तरह से काम चलाने के लिए उसमें, मतलब उनके भी क्वालिटी या फिर उनको भी रिफ्रेशर कोर्स वगैरह वो सब नहीं करवाया गया। अब गांव के भी देखिए, टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि कोई हर व्यक्ति भी नहीं कर सकता है, उसके लिए सर्टन ट्रेनिंग चाहिए आपको, और उसका एक तरह से मतलब जिस तरह का डिपार्टमेंट को करते रहना चाहिए था वो सब नहीं हुआ। पैरा टीचर्स का मगर उन लोगों का मगर हम लोग बैकबोन मानते हैं। मैं भी एजुकेशन मिनिस्टर थी, एचआरडी मिनिस्टर थी, तो मैंने यही देखा कि हमारे पास जब टीचर्स की कमी है तो इतने बड़ा वर्कफोर्स जो है उसको सही तरीके से उसको मैनेज नहीं किया गया, चैनलाइज नहीं किया गया। ये सारा कुछ जो है सिस्टम में जो खामियाँ हैं अल्टीमेटली हमारे अपने बच्चों पर, जो गाँव के जो बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं। मैं गांव में घूमती हूँ, आप भी जाती हैं, कुटी वाले सेक्टर उधर में भी जाते हैं, आप देखेंगे बच्चों में प्रतिभा है, मगर प्रतिभा को भी एक वो मिलना चाहिए, व्यवस्था मिलेगी तभी वो आगे जा पाएगा, नहीं तो वो व्यवस्था, वो जो प्रतिभा है वहीं पर दबके रह जाएगी, और उसका जो फायदा हमारे समाज को होना चाहिए जिस तरह से सही तरीके से वो नहीं हो पाता। हमारे मैंने जो सभी लोग ने महसूस किया, इनफैक्ट जब मैं मंत्री नहीं भी थी तो 2011 में भी हमने भाषा के लिए काफ़ी इसका विरोध किया था कि हमारी जो अपनी भाषाएं हैं, जो हमारी 9 भाषाएं हैं जिसमें से 5 जनजातीय भाषाएं हैं, प्रमुख जनजातीय भाषाएं, और 4 जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको अभी तक विकसित होने का, सही तरीके से पनपने का ना आधार दिया गया, ना अवसर दिए गए, ना व्यवस्था दी गई। तो और अब द्वितीय राजभाषा बनाते जाएंगे तो जो हमारी जो भाषाएं हैं जो मूल रूप से यहाँ की हैं उनको कब आप अवसर दे पाएंगे। और ये हम लोगों ने इसका बहुत विरोध भी किया था सदन में, और मैंने इस बात को कहा भी था कि हमें किसी से कोई विरोध नहीं, मगर जब आप अपने घर में दिया जला सकेंगे, आप अपने आप को मजबूत कर सकेंगे, तभी आप किसी का स्वागत भी कर सकते हैं। आपकी अपनी ही जड़ें मतलब आपको लगता है कि ठीक से जब मिट्टी नहीं पकड़ पाई है, आप दूसरों के कहाँ रास्ता जगह बना सकते। हम झारखंड के विकास की बात कर रहे थे। अभी हाल में ही एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था झारखंड से लगभग 15 लाख आदिवासियों को जंगलों से निकालने को लेकर। वैसे अभी उस पर स्टे लगा हुआ है, पर इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो हमारे ऊपर एक प्रहार की तरह हम लोग इसको देखते हैं। आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन से बहुत पुराना नाता है, ये किसी से छुपा नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। और इस तरह का जो फैसला आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, और इसका बहुत जबरदस्त विरोध पूरे देश में हुआ है इसका, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों ने ऐसे सड़कों पर भी आके किए। आदिवासी को अगर उसके जंगल से अगर काट दें, आदिवासी वहीं ख़त्म हो जाए, उसकी ज़मीन से काट दें वो वहीं ख़त्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता सब वहीं बसती है। अगर आदिवासियों को कहा जाता है कि वो प्रकृति पूजक हैं तो वो उसको धरोहर स्वरूप ये सारा कुछ मिला है। आदिवासी का जो भी है पूजा जहाँ करते हैं वहाँ उसकी आस्था होती है। हम लोग अपने जो धर्मेश हैं उनकी तरफ देखते हैं, हम चालो आयो जो हैं उनकी तरफ हम लोग देखते हैं, और वहाँ से हमें जो है इंस्पिरेशन मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, हमारा फिलॉसफी वहीं पर है। और अगर आदिवासी को वहाँ से अगर काट दें तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। और ये सारा कुछ मतलब जंगल से हटाना यानी कि वहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर्स को बिठाना, क्योंकि आदिवासी जहाँ बसे हैं ये सब जानते हैं, ये सर्वे वाली भी बात है कि वहाँ पर आपको मिनरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा वहीं पर मिलेंगे। पिछले एक साल में एक और बड़ा मुद्दा उठा था खूंटी के क्षेत्र में, खूंटी सिमडेगा के क्षेत्र में, पत्थलगढ़ी का। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पत्थलगढ़ी जो है खूंटी में 2016 से शुरू हुआ है, और इसमें वैसे तो ये परंपरा रही है, खासतौर से मुंडा समुदाय में इसकी परंपरा रही है, पत्थलगढ़ी करते हैं।
हर घड़ी भी बोला जाता है उसको वहाँ पर, और ये गांव के सिमाने में वो सब किया जाता है। जितने भी अपने पुरखे पूर्वज रहे हैं उनके नाम उनकी याद में पत्थर गढ़ते हुआ है। पर ये जो नया संविधान लिखने, हाँ संविधान लिखने का जो है वो मैं तो इसके लिए ये जरूर कहूंगी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। लोग कहते हैं कि षड्यंत्र रचा गया, बाहर से लोग आए, इस तरह से किया, लोगों को भड़काने का काम किया। तो लोगों को भड़कने का मौका किसने दिया, सबसे बड़ा सवाल उठता है। खूंटी की जो तस्वीर इधर पीछे पत्थलगढ़ी के ऊपर जो बवाल हुआ, जिस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई हुई, सबसे बड़ी बात आई कि क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। और जब वहाँ के जो प्रतिनिधि कई, मतलब मेरे ख्याल से पिछले 8 बार से वहाँ सांसद रहे, तो वहाँ पर इस तरह की जो अगर विकास की रोशनी ना पहुँचना, मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक, और मैं मुझे धक्का भी लगा था कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर वहाँ पर सिर्फ प्रतिनिधित्व किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, लोगों को अगर बुनियादी, अगर संवैधानिक रूप से जो बुनियादी हक अधिकार है, अगर उनको साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उनके पास सड़कें नहीं हैं, उनके जो ये भी बात उठी कि अफीम की खेती वहाँ पर होती है, अगर लोगों को उनके बुनियादी हक नहीं मिलेंगे तो आखिर लोग क्या करेंगे बताइए, उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। इनफैक्ट जब हम विकास की बात कर रहे हैं, हक की बात करें, तो एक और बहुत मेजर इशू रहा है झारखंड में आज से नहीं, कई सालों से रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। बिल्कुल बिल्कुल। खूंटी, चतरा, गुमला, सिमडेगा, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से हजारों की संख्या में बच्चियां बाहर जा रही हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लोग यूजुअली ये बोल के इसको टाल देते कि एक सोशल इशू है, पर क्या ये सोशल इशू है? सोशल इशू है, डेफिनेटली सोशल इशू है। इसमें देखिए, वही मैंने कहा कि जो झारखंड बनने के बाद जब लोगों के मन में जो था कि अब हमारा वो राज, हमारा राज होगा, हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं आएंगी, वो तो हुआ नहीं। आज भी हमारी बच्चियां, महिलाएं, हमारी बहनें बाहर जाने के लिए मजबूर हैं रोजगार के लिए, क्योंकि घर में कुछ है नहीं। जब आप उनको रोजगार मुहैया नहीं करवाएं या शिक्षा पे भी ध्यान नहीं दें, देखिए जागरूकता की भी बहुत कमी आ रही है, क्योंकि स्कूल तो बस खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, मध्याह्न भोजन खिचड़ी उचड़ी खिला के उतना हो जा रहा है, मगर लोगों को वहीं पर बनाए रखने के लिए आपको योजनाएं चलानी होंगी। आपको देखना होगा कि आपके लोग जो हैं उनके पास इतना हो कि वो मतलब अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर नहीं हो। जो कांग्रेस ने जो मनरेगा का जो वो जो योजना चलाई थी, बहुत ही बढ़िया योजना थी, वो उसी का ही जो पलायन रोकने के लिए कि गांव से लोग, मतलब 100 दिन का जो रोजगार मिलेगा तो कम से कम गांव से पलायन रुकेगा, जो सीजनल जो आपका जो होता है माइग्रेशन भी होता है वो भी रुकेगा, मगर उसको भी बंद कर दिया गया है। अभी उसको इम्प्लीमेंट हमारे झारखंड राज्य में कभी ढंग से किया ही नहीं गया, क्योंकि फंड की कमी हुई या उसका एलोकेशन ठीक से नहीं हो पाया, भुगतान नहीं हो पाया, तो लोग काम करने के बावजूद भी उनको अपने भुगतान के लिए बहुत दर दर भटकना पड़ा। मेरे पास भी लगातार लोग आते रहते थे और बोलते थे, तब हम लोग बोलते थे डिस्ट्रिक्ट में तब ये प्रोसेस, जबकि इनका अपना ऑनगोइंग और अपने उस पर ही होना होते रहना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, किसी भी राज्य का विकास की जब बात करते हैं तो व्यक्ति विकास वहाँ पर सीधी तौर से जुड़ता है। लोगों का विकास नहीं हो, उनको आप वहाँ पर अपने जो उनके पास खेत हैं, ठीक है, जंगल में आप ऐसी सारी योजना बताएं जैसे कि बहुत लाख का जो है, या फिर और भी जो दूसरे आजकल इंटरक्रॉपिंग का भी चला है कि छोटी ही जमीन पे आप फलदार वृक्ष भी लगाएं और उसमें आप दूसरी सब्जियां भी उगाएं, उससे फायदा हुआ, मगर इसको व्यापक रूप से जो है इसका फायदा लोगों तक नहीं पहुँच पाया है। तो सस्टेनेबिलिटी जहाँ तक नहीं होगी तो फिर घर से, और मतलब, और इस तरह के रैकेट भी इसीलिए कामयाब होते हैं क्योंकि गरीबी है, लाचारी है, भुखमरी है, पेट पालने के लिए तो लोग बाहर निकलेंगे, तो यही सब मौका मिल जाता है। और बड़े बड़े, और मेरा एक और कहना मैं चाहती हूँ संस्थानों से कि फोकस जहाँ पर है, क्योंकि मैं भी जब अपने क्षेत्र में जाती हूँ तो वहाँ पर बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, उनको रोकिए वहाँ पर और देखिए कि वो ऐसे अनजान व्यक्ति या जो बाहर के लोगों से ना मिलें, और है मगर ये बोल तो सकते हैं, मगर क्योंकि अगर घर में कमी रहेगी तो
मकर जाल में फंसेंगे लोग, तो इसलिए वहां पर यहाँ पर रोकना जरूरी है लोगों को जहां से ये शुरुआत होती है। वापस चुनाव पे आते हुए, जिस बार आप ही थी टिकट के दौड़ में पर फिर क्या? हाँ, मैं बिल्कुल थी, दौड़ में थी मैं, और क्योंकि वो इसलिए क्योंकि मैं 2009 में ही जब मैं लोकसभा चुनाव हो रहा था उसी समय मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि आपको आना चाहिए इसमें, क्योंकि परंपरागत रूप से मतलब मेरे माता पिता ने यहाँ से नेतृत्व किया इस सीट पे, और लोग आज भी उनकी यादों को मतलब जिस तरह के नेता वो थे, नेता क्या कहेंगे उनको, समाज सुधारक ही ज़्यादा कहेंगे। मेरे माता पिता दोनों में, भले ही मेरे पिताजी की मौत के बाद मेरी माता जी राजनीति में आई, मगर उन्होंने भी अपनी व्यक्तित्व से अपनी मतलब लोगों के बीच में अपनी एक अलग पहचान और छवि बनाई थी। आज भी उनको बहुत उस तरह से लोग देखते हैं, और जब मेरी एंट्री हुई पॉलिटिकल सीन में तो लोगों को लगता था कि नहीं मैं भी उस जगह पर जाऊँ, मगर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि 2009 में भी मेरे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, उस समय मैं नहीं कर पाई। 2014 में भी थी, उस समय मंत्री थी, और कुछ लोगों ने कहा क्यों नहीं आप इस समय भी करती हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझती हूँ कि मैं जिस अभी सीट पे हूँ, काम अधूरा रह चुका है, उसको मैं छोड़ के ऐसे कूद नहीं सकती हूँ चुनाव में। वो उस समय हुआ, अभी पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से लोगों ने फिर मुझे बोलना शुरू किया, क्योंकि उस समय आपाधापी में मेरे बारे में लोग बहुत नहीं जान रहे थे, मगर जब मेरे मुंह से सुनने लगे कि मैंने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में, मतलब 5 साल में से 1.5 साल तो हमारे राष्ट्रपति शासन में ही 2 बार के उसमें कट गया, और बाकी जो चुनाव हुए हमारे पंचायत चुनाव और मेयर के और लोकसभा का भी 2014 का, तो 3.5 साल में मैंने जो अपने इलाके की पुरानी जो मांगे थी वो मैंने पूरा की, और जो मेरे से पहले के जो थे विधायक, बोलते हुए तो अच्छा नहीं लगता है, मगर बहुत पुरानी मांगे, मतलब 34 साल पुरानी मांग थी कि अनुमंडल बने, 20 साल पुरानी मांग थी कि ITI पॉलिटेक्निक खुले, 25 साल पुरानी मांग थी कि पुलिस सब डिवीजन बने। तो मैं उन्होंने कहा था अगर आप जीतती हैं तो आप इन सब चीज़ों पर फोकस रखिएगा, तो जीत गई सबकी मतलब आशीर्वाद से और सबके समर्थन से। तो मैंने ये शुरू से अपना टास्क, अपने मेंटल टास्क लिस्ट बना के रखा था, तो मैं उस पर काम करती गई, और ये सारी व्यवस्थाएं हर एक साल आती गई, और जो लोगों ने नहीं भी कहा, जो मैंने खुद महसूस किया वो भी मैंने किया। तो जब लोगों को पता चला तो बोलती नहीं आपको तो जाना चाहिए, पार्लियामेंट जाना चाहिए, आप बोलती हैं ये लोग तो जानते हैं, मगर आपने व्यवस्था किस तरह से लेके आई ये हम लोगों को बहुत जानकारी नहीं थी, तो आपको जाना चाहिए और हम लोग चाहते हैं। तो मेरे मन में भी हुआ, बहुत ज़्यादा मैंने सोचा हुआ नहीं था, मगर फिर मैंने सोचा कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए प्रयास विफल रहा। राजनीतिक बहुत दांव पेश होते हैं, और मैं फिर भी निराश नहीं हूँ, हो सकता है मेरा वक्त अभी भी नहीं आया है, मैं अगली बार के लिए मैं तैयार जरूर। इनफैक्ट ये आपकी बात ही नहीं है, इस बार पूरे देश में महिलाओं को बहुत ही कम टिकट्स मिले हैं, महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है चाहे वो नेता के एज अ लीडर हो या एज अ स्टार कैंपेनर भी, कैंपेनर उसमें भी बहुत कम नाम है। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से हमारे आला नेताओं को इसके बारे में सोचना चाहिए कि महिलाओं में भी, और मेरा भी यही कहना था कि अगर मेरा काम मिसेस करें तो मैं कहीं से भी किसी से कम नहीं हूँ, और बाकी भी हमारी और भी हैं महिलाएं बहुत सक्षम, अच्छी पढ़ी लिखी बहुत, और जो समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति सोच रखने वाली, तो मौका मिलना चाहिए। मैं अभी भी बोलना चाहूँगी कि हमारे अपने भी पार्टी या फिर सभी जितने हैं कि महिलाओं को मौका दीजिए, वो बढ़ने में क्षमता है और करने में, ये लोग कहते भी हैं कि जितने, काफ़ी सारे लोग कहते भी हैं कि महिलाएं जितनी ईमानदारी से कोई काम करेंगी उतने पुरुष कभी कभी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को और मौका मिले आगे आने बढ़ने के लिए। निश्चित रूप से महिलाएं जब आगे आएंगी तो समाज की और देश की जो है तस्वीर बदलेगी काफ़ी कुछ। इस बार वोटर्स को क्या अपील करना चाहेंगे आप, जो इलेक्शन आ रहे हैं वोट किस टॉपिक, किस चीज को देख कर दें? हाँ, देखिए मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, और हम लोगों ने देखा, हमारे जो पार्टी, वैसे तो राहुल जी ने अभी एक न्याय योजना के बारे में वो बोल रहे हैं निश्चित रूप से,
और जो गरीबी है, जो हमारे देश में गरीबी बहुत लंबे समय तक थी, मगर पार्टी के लिए भले ही हमारे विपक्षी विरोधी लोग जो भी बोले, मगर कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास भी नहीं होती है। वो उसके लिए आपको एक ईमानदार नियत और सतत उस पे जो योजना पे काम करने का जो होता है, तो कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी हद तक इसमें अपना किया है और हम लोग चाहते हैं कि आगे भी लोगों को उसका फ़ायदा मिले। और वोट तो हम लोग इसी आधार पे मांगेंगे कि सबके लिए जो है जगह बने, किसी का जो अभी जो हमारे पिछले पाँच सालों में हमने जो देश में देखा जिस तरह की तोड़फोड़ की और बिल्कुल आपस में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए, ये माहौल कभी पहले नहीं था। जो लोकतांत्रिक जो ढांचा है वो तहस नहस हो गया एक तरह से, और आदिवासी और हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं और जो पिछड़ा वर्ग हैं, उनको भी काफ़ी इस पे नुकसान हुआ है। आपका अभी जो 15 लाख जो आदिवासियों का जो हुआ, आपको याद होगा पिछले साल 2 अप्रैल को क्या हुआ था पूरे देश भर में, आदिवासियों दलितों के खिलाफ में जिस तरह की एक मुहिम खड़ी हो गई थी और जिस तरह का आंदोलन हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ था। और ये सब संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पिछड़े हैं उनको आपको मुख्य धारा पे लाना है। तो इस तरह से अगर भावना रखी जाएगी, इस तरह की अगर नीतियाँ बनाई जाएगी, तो फिर हम लोग तो न्याय की तो कल्पना नहीं कर सकते। तो जो भी कुछ हुआ वो लोक हित में नहीं हुआ है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह की दमनकारी विध्वंसकारी जो है ताकतें, वो उनको फिर से मौका मिले। इनफैक्ट गीताश्री जी, जब हम ट्राइबल लीडरशिप की बात करें तो हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो पार्लियामेंट में भी गए, पर कहीं ना कहीं नॉन ट्राइबल्स के दबाव में कहीं जो आदिवासी मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। इनफैक्ट आपने भी जैसे कहा कि आपने मुद्दा उठाया था भाषाओं का, उस समय भी आपको काफी प्रोटेस्ट झेलना पड़ा, कुछ लोगों ने आपको बिल्कुल ही अलग कर दिया था सबसे, तो इस बारे में आपको। हाँ, राजनीतिक लोगों ने मुझे जरूर अलग थलग कर दिया था, मगर मुझे एक बात का संतोष है कि मुझे झारखंड की जनता ने, मतलब बहुत मुझे जो कह सकती हूँ समर्थन मुझे दिया, वो पूरे झारखंड से मुझे, और सिर्फ वो आदिवासी नहीं थे, वो गैर आदिवासी हमारे सदान वर्ग हैं, वो चाहे चतरा हो, चाहे वो संथाल परगना में गई हूँ, चाहे मैं कोल्हान गई हूँ, चाहे मैं पलामू गई हूँ, सब तरह से आवाज़ यही बात आई कि हमारी बात कर रही हैं। और मेरा बिल्कुल वही था, मेरा जो मेरा मुद्दा ही वही था कि मैं झारखंड के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ और मैं उनके हक की लड़ाई में लड़ूंगी बिल्कुल, और अन्याय में नहीं होने देना। पर क्या हायर लेवल पे ट्राइबल्स की बातें पहुंच पा रही हैं, क्या लोग सुन रहे हैं? हाँ, ये 2014 के बाद में राहुल जी ने हम लोगों को 2 साल लगातार बुलाया था, उन्होंने पूछा भी था, तो मैंने बहुत बेबाकी से उनके पास सामने काफ़ी कुछ बातें रखी कि लीडरशिप को जो बातें स्टेट से जाती हैं उन पर कितना, वैसे राहुल जी इन सब बातों को लेके बहुत संवेदनशील हैं और वो चाहते हैं कि मतलब इसमें लोगों में एक विश्वास जगे कि आपके लिए एक आपके अनुकूल वातावरण है, वो ये चाहते हैं, वह दिल से चाहते हैं, ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इस बात को भी बहुत अच्छी मतलब संजीदगी से इस बात को महसूस करती हूँ, और बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विचारधारा में जुड़े और इस तरह की अगर बातें हो कि तभी हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सजग और एक मजबूत जो है समाज की हम लोग मतलब देख सकेंगे तस्वीर। गीताश्री जी, जब झारखंड जब बना, आदिवासियों का विकास, एक झारखंड का विकास, एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हुई, पर अभी सिचुएशन कुछ अलग ही दिख रहा है। आए दिन खबर आ रही थी हंगर डेथ्स, बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा सुनने को आया कि भूखमरी थी वो मौत जो हुई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 2016 में जो तत्कालीन मुख्य सचिव थी श्रीमती राजबाला वर्मा, उनके एक आदेश से ये हुआ था कि 11 लाख के तकरीबन जो
राशन कार्ड है उनका रद्द करने की बात थी, और था कि दोबारा से बनेगा और उसमें आपका बायोमेट्रिक सिस्टम के उस पर आधार कार्ड जो है उसके आधार पर होगा। ये एक नई प्रणाली, मतलब बिना ये सोचे ग्राउंड रियलिटी जाने हुए कि क्या हो सकता है, इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, इन्होंने इस तरह की निकाल दी। और कई महीने तक इस तरह से होता रहा, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई उसमें, मतलब आपको पूरे फैमिली का फोटोग्राफ चिपकाना है तो ये वो करके, मतलब लोगों को जितना फ़ायदा तो हुआ ही नहीं, उससे ज़्यादा मतलब परेशानियाँ जाती हुई। इसी बीच में जब राशन मिलना रुक गया, तो जैसे मैंने बताया है कि अभी भी भुखमरी की स्थिति है हमारे गांव में, तो उसमें फिर गांव में जब लोगों के पास है नहीं, खेती ढंग की नहीं हो पाती, लोग आज भी बारिश के जो पानी पे बरसात पे ही निर्भर करते हैं, उनकी खेती उस पर निर्भर करती है। और जब सरकार की तरफ से भी कुछ सही तरीके का, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं किसान जिस भी तरह से, जो भी सीमित संसाधन में, और काला बाजारी बढ़ने से न खाद सही तरीके से मिल रहा है, न बीज भी बाजार से खरीदना पड़ रहा है, उसके बाद जब आपके क्रय विक्रय केंद्र जो होते हैं, जो खोलने की बात हुई थी कि हर जिला में होगा, हर जिला में कैसे जाएंगे हर प्रखंड के लोग, आपको तो हर प्रखंड में खोलना चाहिए। और मगर वहाँ पर भी जब प्रखंड का भी जो है उसमें भी इनको जो इतना कम जो रेट में उनके लिए जाते थे, तो ये सब गांव से प्रखंड तक आना भी बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। और सोचिए कि वो अपना अनाज ढो के लेके आए, तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ही मतलब धाराशाही होगी, और लोगों को परेशानी बहुत हुई इसमें। और भुखमरी की स्थिति हुई है इसमें, सबसे पहले सिमडेगा की एक बच्ची जो थी संतोषी कुमारी, उसकी मौत हुई, मतलब सुन के मतलब ये दिल अभी भी बहुत दुखता है कि बच्ची भात भात कहते हुए, चार दिन से घर में खाना नहीं था और इस तरह का ये घटना हो गई, चलिए ठीक है। मगर यहाँ तंत्र सजग होने के, सचेत होने के लिए कि ऐसी मौतें और नहीं हों, इस तरह की सिलसिला चलता रहा, और सरकार और प्रशासन की तरफ से लिपा पोती चलती रही। इंटरेस्टिंगली कभी भी गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि ये हंगर डेथ्स हुई है, वो उन्होंने कहा कि ये रोग जनित मौत हुई है, ये सारी चीजें हुई। और जहाँ इसके अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें, कांग्रेस ने 2011 में भोजन का अधिकार एक अधिनियम, ये कानून बनाया जिसमें था कि कोई भी भूखा ना सोए, ये सारी चीज़ें थी जो जनहित में आप को रख के ही लोग बना सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट, जो राज्य सरकारों ने करनी थी। इससे पहले अगर हम लोग देखें कि आदिवासियों के हित में 2006 में जो वन अधिकार अधिनियम में आया था, FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट जो था, ये सारा कुछ कांग्रेस करती गई है, मगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना उस समय, क्योंकि राज्य सरकार तो यहाँ पर झारखंड में भाजपा की ही रही है, और 2014 के बाद से तो यहाँ पर बिल्कुल ही उल्टा होता रहा, सब कुछ जनता के विरोध में ही चलता रहा है। तो इस तरह का जो सिलसिला चलता रहा, और लोगों ने आज भी वो कहते हैं कि नहीं, भूख से मौत नहीं हुई है, मतलब कि आम जनता की जिंदगी का कोई इसमें मूल्य नहीं दिया जाता है। और आज भी हम लोग देखें तो गाँव में बिल्डिंग्स तो बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह सब बन रहे हैं, मगर डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सेस नहीं हैं, स्टाफ नहीं है। बिल्डिंग बनाने में कमीशन है, सड़क बनाने में कमीशन है, इसमें आगे हैं लोग यहाँ पर, मगर व्यवस्था नहीं है सब कुछ होके भी। और लोग अभी भी जो गांव के जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं उनके ही भरोसे। इंटरेस्टिंगली आपने जो ये बताया, तो एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करूं। जी जी। मैं एक रिपोर्ट के लिए गई थी एक गांव में, विच हंटिंग की बात थी, तो वहां पे लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो बहुत आगे है, पर ये जो असली मुद्दे हैं इनको कोई पूछता ही नहीं, बिल्कुल कोई आता ही नहीं सामने। इसके बारे में आप क्या बोलिएगा, ये जो इस तरह के जो सोशल इश्यूज हैं हमारे स्टेट में आज से नहीं कई सालों से? हाँ, ये बस मैं वही कह रही हूँ ना, ये आई वॉश ही है। आप बिल्डिंग्स बनाने कमीशन की जो बात होती है, इसमें बहुत आगे है हमारा झारखंड राज्य, और उसके ना रख रखाव में ना उसको कैसे चलाना है उसके ऊपर कोई नहीं है। आज भी देखिए, अब डॉक्टर्स की बहुत कमी है। हमारे राज्य में गाँव में भूख से हुई, हमारे इसी राज्य में हमारे सबसे बड़े अस्पताल में जो रिम्स में अभी एक साल पहले 2017 में छोटे बच्चों की मौतें हुई,
और उसके बाद भी हम लोग आज भी देखते हैं कि कोई सुधार नहीं है, मतलब सीरियसनेस है ही नहीं लोगों में कि इसको हम लोग कैसे मैनेज करें, कैसे मतलब इसको हम लोग आगे। एम्स भी जो है, एम्स को भी ऐसे किनारे इधर देवघर में ले जाया गया, कितने लोग जा पाएंगे वहाँ बताइए, जबकि उसको एम्स यानी कैपिटल में खुलना चाहिए, हर राज्य की राजधानी में ही मतलब एम्स जैसी जो संस्थानें खुली जाती हैं, स्वास्थ्य संस्थानें। तो यहाँ पर जो है मेरे पिताजी जब वो भी राजनीति में थे तो उन्होंने अपने रहते हुए स्वर्गीय कार्तिक राव जी, वो उनकी अपनी एक विजन था इस राज्य को लेके, उन्होंने राज्य में ही बिहार राज्य में रहते हुए अलग राज्य के लिए उन्होंने काफ़ी मतलब जो आधार उन्होंने रख दिया था, छोटा नागपुर संथाल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उन्होंने बनाया था, और उसमें वो अलग से वो फंड वो लेके आए थे उसके लिए, और उसके साथ ही उन्होंने देश का पहला मिनी सेक्रेटरीट भी खुलवाया था उसमें, ताकि लोगों के हिसाब से यहाँ पर काम हो सके। और उनका ये कहना था कि उनका ये मानना था कि हमारे जो लोग हैं यहाँ पर अभी इसके लिए उतने प्रशिक्षित नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, तो पहले ये यूनियन टेरिटरी बने, जब सारी व्यवस्थाएं आ जाएं, लोग ट्रेन हो जाएं, तो अलग राज्य में जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। और हम लोग आज भी वही देख रहे हैं कि अभी भी लगता है कि मतलब जिस तरह के सब कुछ चल रहा है उसमें यही लगता है कि लोग अभी भी सीख रहे हैं कि राज्य कैसे चलाना है, और मंशा भी लोगों की नहीं है यहाँ पर, जो लोग हैं हमारी तो फौज है पूरे ISIPS वगैरह सब लोग हैं यहाँ पर, मगर यहाँ के लोगों के हिसाब से कोई भी काम होता हुआ नज़र नहीं आता है। हम लोग इसको बहुत बड़ा अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि झारखंड इतने लोगों के बलिदान के बाद बना, तो फिर आखिर उनका फ़ायदा यहाँ की जनता को नहीं मिल पाया अंततः अभी तक नहीं, मगर हम लोग फिर भी आगे उम्मीद करते हैं कि फिर से तस्वीर बदले यहाँ पर, जो बिगड़ा है उसको हम लोग आगे मतलब जनता हम पे भरोसा करे, आगे जो अगला 5 साल हमें देंगे 10 साल देंगे तो उसमें तस्वीर जरूर यहाँ की बदलेगी। इट वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू गीताश्री जी, थैंक यू, आपने जनता के सवालों का इतनी बेबाकी से जवाब दिया, इतनी धन्यवाद, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू जो मुझे बनाया।